नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को कैसे लेना चाहिए और डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप का उपयोग पेशाब में इन्फेक्शन होने पर, किडनी में पथरी होने पर और गाउट होने पर किया जाता है। गाउट को हिंदी में गठिया भी कहते हैं। गाउट होने पर शरीर में यूरिक एसिड का लेवल अधिक हो जाता है। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप शरीर से यूरिक एसिड को पेशाब के जरिए बाहर निकालती है और शरीर में यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप किडनी में पथरी होने पर किडनी की पथरी को बाहर नहीं निकालती है। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप किडनी में केवल पथरी को बनने से रोक सकती है और किडनी में इन्फेक्शन होने पर इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करती है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर पेशाब करते समय जलन होना, बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब से बदबू आना आदि लक्षण पेशाब में इन्फेक्शन होने पर हो सकते हैं। और यदि पेशाब का इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तो कमर में दर्द, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और बुखार होना आदि लक्षण भी हो सकते हैं। आमतौर पर ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को पेशाब में इन्फेक्शन को ही ठीक करने के लिए देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को पानी से भरे हुए एक गिलास में मिलाकर पीना चाहिए। आमतौर पर 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर से लेकर 15 मिलीलीटर डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं और 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर 15 मिलीलीटर से लेकर 30 मिलीलीटर डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, शरीर में थकान होना, दस्त, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट से गैस निकलना और बार बार पेशाब के लिए जाना आदि साइड इफेक्ट्स डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर और डिहाइड्रेशन होने पर डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को ले सकती हैं या नहीं। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है,
कि डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।